हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ गिर फॉरेस्ट में, और गिर फॉरेस्ट की बहुत ही फेमस जगह है कनकाई और बानेज, ये दो टेंपल है। लेकिन ये जो जगह है वो गिर फॉरेस्ट के बिल्कुल ही बीच में आती है, जो गिर सेंचुरी है वहाँ पर है। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से पीछे ही चेक पोस्ट आती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो वहाँ से मैं परमिट निकलवाऊँगा और परमिट लेने के बाद फिर मैं जंगल में एंट्री कर पाऊँगा। अगर आप गिर फॉरेस्ट में जंगल एक्सकर्शन के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर गिर सफारी ले सकते हैं, जिसमें कि आप जिप्सी के अंदर बैठकर गिर फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट बना है, ये जो ट्रेल बनी है कनकाई और बानेज की, यहाँ पर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ कनकाई माता जी का टेम्पल है वहाँ पर जा रहा हूँ। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये जगह है जामवाला फॉरेस्ट, और ये जो जामवाला है ये कोडिनार से कुछ 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, और वेरावल है वहाँ से कुछ 60 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ से फिर आप अंदर जा सकते हैं। और अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एंट्री के टाइम पर ये जंगल अभी स्टार्ट हो गया है, तो आप पीछे यहाँ का व्यू देखिए, तो यहीं से ही घना जंगल तो दिख ही रहा है। और जो कुछ पेड़ है वो गिर गए हैं कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक तूफान आया था तो उसमें बहुत सारे पेड़ गिर गए थे। और यहाँ पर किसी का खेत है, यहाँ पर जो आम के बगीचे होते हैं तो वो है यहाँ पर, और वहाँ पर सामने ही है चेक पोस्ट। तो चलिए अब जंगल में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आपको गूगल मैप्स के अंदर टाइप करना है कनकाई माता टेम्पल, और लोकेशन में यहाँ पर वेरावल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो रास्ता पहला दिखा रहा है वो गलत है, तो दूसरा जो रास्ता है वाया जामवाला वो राइट रास्ता है, तो वहाँ से मैं इस रास्ते पर अभी जा रहा हूँ। और ये अभी आप देख रहे हैं ये एक ग्रासलैंड है, जो कि एक छोटा सा एरिया जंगल के अंदर ही बड़ा सा घास का मैदान होता है। और दोस्तों, जंगलों के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर मंजिल पर पहुँचने से ज़्यादा रास्ते में जो मज़ा है वो और कहीं नहीं है। तो अगर आप जंगल को देखना चाहते हैं तो आपको कोई भी एक जगह पर पहुँचना नहीं होता है, लेकिन जो जगह पर आप जा रहे हो वहाँ पर पहुँचने के बीच का जो रास्ता होता है वो ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे अच्छी सफ़र होती है, वो उसी के अंदर होती है। तो इसीलिए मैं आपको जो जंगल का रास्ता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी ग्रीनरी आ रही है, जो पानी और उसके अलावा जो भी वाइल्ड लाइफ आ रही है वो आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, अभी सामने की साइड में आप जो देख रहे हैं वो सिंगोड़ा करके एक रिवर निकलती है, वो रिवर का भाग है जहाँ पर अभी पानी नहीं है, और उसके आगे की साइड में वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत पानी देखा, वहाँ से उसका जो डैम है वो शुरू हो रहा है। तो यहाँ से सीधा हम जा रहे हैं, वहाँ पर छोटौड़ी चेक पोस्ट आएगी, वहाँ से दूसरी एक परमिट लेने के बाद फिर हम कनकाई मंदिर की ओर जा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने परमिट ले ली है और अभी हमने लेफ्ट साइड टर्न ले लिया है, और यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं वो यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं, उन लोगों के लिए बनाए गए क्वार्टर्स वगैरह हैं, तो वो लोग यहाँ पर जंगल के बीचों बीच में रहते हैं। उसके अलावा अगर आप ग्रीनरी को यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रीनरी यहाँ पर देखने को मिलती है, और बीच बीच में हमें कुछ छोटे मोटे जानवर लाइक हिरन और नीलगाय वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, जंगल के अंदर जब भी आपको ग्रीनरी ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके अलावा ढलान आने लगती है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई नदी या फिर पानी का जो सोता है वो बिल्कुल ही पास में आ गया है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, यहाँ पर ढलान है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके अलावा जो पेड़ है वो भी काफ़ी ग्रीन हो चुके हैं। तो यहाँ पर सामने ही हमको एक नदी देखने को मिल रही है, और इस नदी को क्रॉस करके हमें आगे जाना होता है। यहाँ पर जंगल के अंदर नदी के ऊपर कोई भी ब्रिज नहीं होता है, आपको डायरेक्टली पानी में से ही अपनी कार या फिर बाइक को निकालना होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो पानी का फोर्स है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर आराम से निकल सकते हैं। लेकिन जब आप बारिश की सीज़न में आते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नदी है वो एक दो नहीं, उसके अलावा काफ़ी सारे झरने बीच के अंदर आते रहते हैं रास्ते में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। और उसके अलावा ये जो मिट्टी होती है उसके अंदर आपकी गाड़ी फंस सकती है, और एक बार जब मैं यहाँ पर आया था बारिश की सीज़न में, तब यहाँ पर मेरी गाड़ी फंस भी गई थी, तो वहाँ पर धक्के लगाकर उसको निकालनी पड़ी थी। तो ऐसी काफ़ी सारी घटनाएँ होती रहती है जंगल के अंदर, तो जब भी आप
गिर फॉरेस्ट के अंदर ऐसे डीप फॉरेस्ट को एक्सकर्सन के लिए आप जाते हो तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम घनकाई जाते हैं तो रास्ते के बीच में ऐसी दो नदियां क्रॉस करनी आती है, तो एक रिवर जो है वो तो हमने क्रॉस कर ली है, अब आगे दूसरी जो रिवर है इसको हम क्रॉस करते हैं। वैसे दोस्तों, जब आप कार से ऐसे नदी को क्रॉस करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब आप बाइक में होते हो तब आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी मीठा होता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आलगी यहाँ पर जम जाती है और फिसलन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बाइक वहाँ पर स्लिप होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बाइक में से उतर कर भी उसको चला कर भी आप जा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जंगल में ऐसी काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर कंट्रोल्ड फायर किया गया है, तो ऐसी जगह आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या यहाँ पर आग लगी है या क्या है, लेकिन ये जो जगह है इसको कंट्रोल्ड फायर बोलते हैं और यहाँ पर थोड़ी जगह है जिसको जला देते हैं, तो इतना जो यहाँ पर घास होता है उसको जलाने के बाद इस जगह पर आग नहीं लगती है, और अगर आग लग भी जाती है जंगल में तो इसे क्या होता है कि जंगल के एक साइड से आग है वो दूसरी साइड में नहीं जा सकती है, तो इसको कंट्रोल्ड फायर इसलिए किया जाता है। देखिए आप यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ कनकाई टेम्पल। दोस्तों, कनकाई मंदिर पहुँचते ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर खतरा जो रहता है वो बंदरों का होता है। हालांकि बंदर है वो परेशान नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन बंदर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, तो लोगों के व्हीकल के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके अलावा जो बस आई है उसके अंदर भी चले जाते हैं। और ये जो एसटी बस है ये धोराजी से चलती है, धोराजी कनकाई रूट नाम है इसका, और ये बस मॉर्निंग में वहाँ से निकलती है और दोपहर को यहाँ पर आती है। दोपहर में सब लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं और प्रसाद लेते हैं और उसके बाद फिर ये बस यहाँ से रिटर्न चली जाती है, तो जो भी पैसेंजर आते हैं वही पैसेंजर वापस जाते हैं। और ये जो बंदर है इसको आप देखिए, जो बस की खिड़की खोलकर उसके अंदर चला गया और अंदर से कुछ नाश्ते का पैकेट तोड़कर उसमें से कुछ नाश्ता कर रहा है। तो अगर आप भी बस में आते हैं तो अपना सामान है वो अपने साथ ही रखिए। अभी अभी यहाँ पर गौशाला के लिए पूरा ट्रैक्टर भर के एक मक्का आया है, तो वो मक्का खाने के लिए जो बंदर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाय तो खाती है, मक्का खाती है, उसके अलावा बंदर भी उसके जो बहुत अच्छे अच्छे जो मक्के होते हैं वो उसको उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं और वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर इस बंदर की मस्ती का तो आप क्या कहेंगे। और उसके अलावा जब आप मंदिर में जाते हैं तो काफ़ी सारे बंदर यहाँ पर देखते हैं, और इन बंदर से काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बंदर को अगर ज़्यादा कुछ किया जाए या कुछ किसी ने छेड़ दिया तो काट भी लेते हैं और उसके बाद आपको इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो मैंने ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पर देखे हैं जो बंदरों की मस्ती करते हैं और फिर बंदर काट लेते हैं तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर इन बंदरों से सतर्क रहने की ज़रूरत तो होती ही है। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कनकाई माता जी का टेम्पल जो कि काफ़ी पुराना है, और कहा जा रहा है कि ये कुछ 1400 साल पुराना मंदिर है और कुछ अराउंड 100 साल पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया है और ये मंदिर पूरा नया बनाया गया है। और यहाँ पर माता जी के हम दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमने माता जी के दर्शन किए और काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का, और ये जो जगह है ये गिर फॉरेस्ट के बिल्कुल ही बीचों बीच में आती है और ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपको यहाँ पर आना है तो यहाँ पर बस की सुविधा भी उपलब्ध है और मेजॉरिटी लोग यहाँ पर अपना प्राइवेट व्हीकल अपनी कार लेकर ही आते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पीछे की साइड में सिंगोड़ा रिवर यहाँ से बहती है। Yeah, I don't know.
और ये जो जंगल के बीचों बीच का एरिया है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही रिवर जा रही है तो उस रिवर के किनारे आप जो ग्रीनरी है वो यहाँ की देख सकते हैं, जिसको फ्लोरा एंड फोना ऑफ द गिर फॉरेस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गौशाला है, काफ़ी सारी गिर काव यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर काफ़ी सारी गिर की काव रखी गई है और ये जो गाय का दूध होता है और वो गाय का दूध यहाँ पर खीर बनाकर प्रसादी के रूप में सारे भक्तों को दिया जाता है। यहाँ पर गायों के लिए तो नया मक्का आया ही है, लेकिन साथ साथ बंदरों को भी यहाँ पर उसकी पार्टी लग गई है। तो देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा ये लोग मस्ती कर रहे हैं और अपने ही धुन में वो लोग खाना खा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, लेकिन हमारे हाथ में नारियल था तो नारियल देखकर ये जो बंदर है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए हैं। तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्टार्ट भी कर दी, लेकिन वो लोग यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर इनको ज़रा देखते हैं और इनकी मस्ती वगैरह को ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या करते हैं, किस तरह से वो लोग यहाँ पर खेल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर हमने बंदरों की मस्ती वगैरह देखी, ये लोग यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर हमने गाड़ी के वाइपर चला दिए तो फिर वो डर के भाग गए। तो अगर आपके भी गाड़ी के ऊपर बंदर ऐसे आ जाते हैं तो आप भी गाड़ी के वाइपर स्टार्ट कर सकते हैं, उसका स्प्रे है वो स्टार्ट करते हैं तो फिर वो चले जाएंगे। और जब हम आगे जा रहे थे तो आगे ही हमने देखा कि हिरन का एक बहुत बड़ा झुंड है, जो कि एक उनका जो अलार्म कॉल होता है वो दे रहा था, यानी कि वो लोग गाड़ी को देख कर भी काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर गाड़ी बंद कर दी और इंजन भी इसका बंद कर दिया ताकि वो लोग यहाँ से चले जाए, उसके बाद फिर हम जाएंगे। वैसे दोस्तों जब हम जंगल में जाते हैं तब ये जंगली जानवर होते हैं उनके घर के अंदर हम जाते हैं, तो हमें मैक्सिमम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको जितना कम डिस्टर्ब करें उतना अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जो कि उनको देखकर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं या फिर तेज़ गाड़ी चलाकर चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग इनसे डर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग ये भी करते हैं कि अपने साथ जो भी खाना वगैरह लाते हैं, कुछ फ्राइम्स वगैरह होते हैं, वो इन हिरन वगैरह को खिला देते हैं। तो ये भी गलत बात है क्योंकि जब आप उनको ये सब खिलाते हो तो वो उनको जो उनका घास वगैरह जो खाना होता है उसमें उनकी रुचि कम हो जाती है और उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। और जंगल के अंदर जब आप जाते हो तो आपको प्लास्टिक और कूड़ा कचरा भी अंदर नहीं फेंकना चाहिए। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर कचरा फेंक कर चले आते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि वहाँ पर साफ़ करने वाला या कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। जो भी कचरा होगा, प्लास्टिक होगा, वो इन जानवरों के पेट में जाएगा तो उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो हिरन का झुंड है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उसमें 70-80 हिरन होंगे कम से कम। और वो यहाँ पर 3-4 साइड में फैले हुए हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी काफ़ी हिरन है, राइट में भी है और कुछ सामने की साइड में भी है। तो इन लोगों के बीच में कंटिन्यूटी भी होती है, तो वो लोग अपना जो झुंड होता है उसको पूरा साथ में रखते हैं और उनके साथ साथ बंदर वगैरह भी होते हैं, तो सब लोग मिलकर साथ में खाना खाते हैं। बंदर वगैरह है वो तेंदुए से उनका जो प्रोटेक्शन होता है वो करते हैं, वो सिग्नल वगैरह भेजते हैं हिरन को, और हिरन है वो नीचे की साइड से सिग्नल भेजते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने देखा कि एक हिरन का बच्चा है वो रास्ते के बीच में कहीं कन्फ्यूज़ हो रहा था, तो फिर से मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी और देखा कि कहीं वो कन्फ्यूज़ ना हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप गाड़ी चलाते हो और अचानक से हिरन उड़ के आपके बोनेट के ऊपर या फिर ग्लास के ऊपर टकरा जाता है, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ और पहले उनको जहाँ तक जाना है वहाँ पर मैं पहले उनको जाने दूँ, फिर मैं निकल लूँगा क्योंकि मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। तो कनकाई मंदिर पे मैंने प्रसाद भी ले लिया, दर्शन भी कर लिए, अच्छे से वहाँ की वाइल्ड लाइफ को भी देख लिया।
तो अब मैं कनकाई से निकल चुका हूँ और यहाँ से आगे बानेज मंदिर आता है, वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। यहाँ पर रास्ते के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो नदियाँ होती है, उनको क्रॉस करनी होती है, तो उनमें से जो बड़ी नदी है वो भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और उसके बाद में फिर मैं बानेज मंदिर पे पहुँचूँगा और वहाँ जाने का जो व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।